हेलो एवरीवन तो आज हम पार्ट टू वीडियो आर्टिकल 19 क्लॉज वन सब क्लॉज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हम कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसमें पार्ट वन वीडियो में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मीनिंग किया था और अब हम पार्ट टू में बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे लैंडमार्क जो जजमेंट है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की बेंटन टैन कॉलमैन की जजमेंट है उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस और साथ के साथ इसके जो साथ में राइट टू प्राइवेसी के साथ और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आर राजा गोपाल उसके बाद हम बात करेंगे जो इंटरनेट पे हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोविजन है और प्रेस की आजादी के साथ साथ हम बात करेंगे मीडिया ट्रायल की कहां तक लिमिटेशन होनी चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट की नाइन जजेस बेंच की जजमेंट है मिराज के केस में और उसके बाद बात करेंगे बैलेंस है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में वो कैसे मेंटेन होगा और उसकी लिमिटेशन कैसी होगी इसके बारे में बात करेंगे उसके, बात करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सहारा इंडिया केस है उसके बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें सो so कि आप आपके लिए हम कंटिन्यूटी में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हैं जो वीडियो प्रोवाइड करवा सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है या किसी भी एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड नहीं है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस पार्ट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी लैंडमार्क जजमेंट हैं वो डिलीवर की हैं तो उसमें से जो मेजर लैंडमार्क जजमेंट हैं जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल किया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आर्टिकल नाइनटीन में कहीं डिफाइन नहीं है कहीं भी दिया गया नहीं है बट आर्टिकल 19 क्लॉज वन में है तो यह ऑटोमेटिकली इसमें है फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड करता है कि गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है वो पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे न्यूज़पेपर के कंटेंट और सर्कुलेशन में कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती कंटेंट या न्यूज़पेपर का जो है उस पर कोई पब्लिकेशन में गवर्नमेंट अथॉरिटी पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे इंटरफेयर नहीं कर सकती इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस का जो पर्पस है उसको डिफाइन किया है प्रेस का पर्पस क्या है कि फैक्ट को पब्लिश करना ओपिनियन को पब्लिश करना जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रोट में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है क्योंकि पब्लिक इस अपना रिस्पॉन्सिबल डिसीजन अपने ओपिनियन है वो फॉर्म कर सके तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो हार्ट एंड हार्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरकोरेंस का तो कोर्ट की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को होल्ड करे और उन सब लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उनको इनवैलिड डिक्लेयर करे अगर वो कहीं भी इंटरफेयर करते हैं प्रेस की आजादी में और वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है इस केस में कोर्ट ने प्रेस की जो फोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ब्रॉडलाइन किया है तो सबसे पहले प्रेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके थ्रू इंडिविजुअल को हेल्प होती है वो अपनी सेल्फ अटेनमेंट या सेल्फ फुलफिलमेंट अटेन करे अपने आप में विचारों की जो आ, उसके फ्लो है वो डेवलप कर पाए तो उसके बाद जो ट्रुथ है बिहाइंड फैक्ट की क्या ट्रूथ है वो न्यूज़पेपर या प्रेस के थ्रू ही इंडिविजुअल को मिलता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूज़पेपर की मीडिया की कि वह ट्रूथ को प्रिवेल करने में हेल्प करे तो इसके साथ साथ जो कैपेसिटी है इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग में उसको इंक्रीज करता है क्योंकि अगर वो ओपिनियन अपने फॉर्म करेगा कोरेक्टली तो उसमें डिसीजन मेकिंग में इंडिविजुअल को हेल्प होगी तो प्रेस एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू एक रीजनेबल बैलेंस क्रिएट होता है स्टेबिलिटी एंड सोशल चेंज के बीच तो ये एक रीजनेबल बैलेंस क्रिएट करने के लिए भी प्रेस अपना रोल प्ले करती है तो जो सोसाइटी के मेंबर हैं वो अपने ओपिनियन और बिलीफ प्रेस के थ्रू बिल्ड करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन फ्रीली जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे लोगों के साथ प्रेस के माध्यम से कर सकते हैं सुप्रीम so, कोर्ट ने बेंटन कॉलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1972 के, के केस में मेजोरिटी जजिस uh, ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हेल्ड किया कि जो न्यूज है वो फ्री होना चाहिए उनको अपने पेजेस कितने रहेंगे कितना सर्कुलेशन रहेगा उसके नी ऑडिशन कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए उसके ऊपर कोई भी प्री सेंसरशिप नहीं लगाई जा सकती न्यूज़पेपर शुड बी लेफ्ट फ्री अगर ये कोई गवर्नमेंट ऑर्डर या सर्कुलेशन न्यूज पेपर के ऊपर अपने पेजेस को लेके अपने सर्कुलेशन को लेके अपने एडिशन को लेके कोई प्रतिबंध लगाता है तो वो प्रतिबंध सेंसरशिप है और वो उस राइट right की वायलेशन है जैसे इस केस में अगर रिडक्शन 10 पेजेस के रिडक्शन करने के लिए बोला गया न्यूज़पेपर को वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की वायलेशन है और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट को वायलेट करता है पेज को फिक्स करना पेज की लिमिट को फिक्स करना टिश्नर के इकोनॉमिकली वायबिलिटी के राइट को तो खत्म करता ही करता है साथ में उसमें उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि वह अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड करे क्योंकि अगर पेज लिमिटेड होंगे न्यूज़पेपर के तो उसके एक्सप्रेशन भी लिमिटेड होंगे आइडिया लिमिटेड होंगे तो उस चीज को इकोनॉमिकली तो वायबल नहीं है उसके साथ साथ वो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट को भी कर्टेल करता है कम करता है फ्रीडम ऑफ प्रोसेस के साथ साथ न्यूज पेपर को अपने वॉल्यूम और अपने सर्कुलेशन को अचीव करने का बढ़ाने का प्रॉपर राइट है तो कोर्ट ने इसके साथ ये हेल्ड किया कि जो इंपोर्ट कंट्रोल है इंपोर्ट ड्यूटी के तहत जो इंपोर्ट ड्यूटी के तहत न्यूज़पेपर के या सर्कुलेशन के ऊपर कुछ टैक्स लगा के उसको रोक लगाने की कोशिश की जाती है तो यह भी अप्रोप्रेट नहीं है यह फ्रीडम ऑफ न्यूज पेपर या उसकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है जो न्यूज पेपर प्रिंट पॉलिसी है वो कंट्रोल पॉलिसी न्यूज पेपर पॉलिसी वायर्स है अगर इंपोर्ट कंट्रोल के एक्ट के तहत न्यूज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी तो वो वायर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है तो मेजोरिटी ने फर्दर हेल्ड किया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसका उसके थ्रू राइट ऑफ सिटीजन टू स्पीक राइट ऑफ सिटीजन टू स्पीक पब्लिश एंड एक्सप्रेस देयर व्यू इसमें इंक्लूड होता है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में ये राइट right है लोगों का राइट right है उसको पढ़ने का उससे अपना व्यू फॉर्म करने का उससे अपना बिलीफ बनाने का राइट right है वो न्यूज़पेपर के थ्रू प्रेस के माध्यम से ही लोग फॉर्म करते हैं तो ये लोगों के राइट right के ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस के ऊपर एक बंदिश है अगर प्रेस के ऊपर कोई पाबंदी लगती है तो जो प्रेस है वो फ्री पब्लिकेशन और देयर सर्कुलेशन विदाउट एनी ऑब्सिसन ऑन पब्लिकेशन पब्लिकेशन के बिना किसी रेस्ट्रेंट के ऊपर उनके पास ये राइट है अगर वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लॉज वन आ, सब क्लॉज ए के तहत फॉल नहीं करती हैं उससे प्रोटेक्ट नहीं होती हैं तो ये वायलेशन है इसमें जो ट्रू टेस्ट है कि जो ऑर्डर या एक्शन है वो फंडामेंटल राइट right है प्रेस का उसको वायलेट करती हैं या नहीं कर सकती तो इसके लिए जो लॉ का ऑब्जेक्टिव है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है इरेलीवेंट है अगर वो ये एस्टेब्लिश पटिश्नर कर देता है कि उसके फंडामेंटल राइट right की ब्रीच हुई है उसके इनफ्रिंगमेंट हुई है उस ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फेमस जजमेंट रा, आर राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो कि डिसाइड हुई सेवन अक्टूबर 1994 को जो कि रिपोर्ट हुई थी 1995 एआईआर पेज नंबर 264 पे ऊपर इसमें क्वेश्चन क्या था कोर्ट के सामने क्वेश्चन के कोर्ट के सामने क्वेश्चन था फ्रीडम ऑफ प्रेस केस वर्सेस राइट टू प्राइवेसी ऑफ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है ही है उसके साथ जो राइट ऑफ प्राइवेसी है सिटीजन की कहीं उसकी वायलेशन तो हो नहीं हो रही इसके लिए ये क्वेश्चन इस केस में राउस हुआ जिसके लिए कोर्ट ने इसको बकायदा इसको डिटरमिन किया तो इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी था कि पैरामीटर क्या होना चाहिए राइट टू प्रेस का कि क्रिटिसाइज करती है कमेंट करती है कंडक्ट करती है किसी पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर तो उसके क्या पैरामीटर होने चाहिए प्रेस के ऊपर क्या अनलिमिटेड प्रेस के पास आजादी है किसी के भी पब्लिक ऑफिशियल के कंडक्ट को एक्ट को पब्लिकली क्रिटिसाइज करे या कमेंट करे तो इस केस के थोड़े फैक्ट देख लेते हैं फैक्ट क्या है कि जो पिटिशनर थे वो एडिटर प्रिंटर पब्लिशर थे तमिल वीकली मैगजीन थी जो कि मद्रास से पब्लिश होता था आर्टिकल 32 के अगेंस्ट स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अगेंस्ट ये रिट फाइल हुई थी सो so दैट की गवर्नमेंट है उसको रोका जाए कि वह इंटरफेयर करती है जो कि एक ऑटोबायोग्राफी इस मैगजीन ने पब्लिश करनी थी एक प्रिजनर की जिसका नाम था ऑटो शंकर उनके मैगजीन में शंकर जो गौरी शंकर या ऑटो शंकर के एलियस हैं तो ये अक्यूज था ये चार्ज हुआ था सिक्स मर्डर केस में तो इसको डेथ सेंटेंस दी गई थी शंकर ने जेल में रहते हुए अपनी एक 300 सौ की एक बायोग्राफी लिखी जिसकी उसकी इच्छा थी कि वह ऑटोबायोग्राफी इस मैगजीन में पब्लिश हो तो प्रिजनर ने रिक्वेस्ट किया कि उसकी ऑटोबायोग्राफी है वो पिटिशनर की मैगजीन में पब्लिश हो इस ग्रावे ग्रावे में कुछ क्लोज नेक्सिस थे वो आस, आ, आई एस आई, आई पी एस ऑफिसर ऑफिसर के बीच डिस्कलोज किए गए थे तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको पब्लिश करना नहीं चाह रही थी सो तो कि इसमें जो डिस्क्लोजर है क्या वो ट्रूथ है या नहीं है इसको लेके काफी शंके थे तो पटिशनर ने अपनी पटिशन में ये एलर्ज किया कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज वन के है उसको ये राइट है कि वो इस ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश कर सके तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये फ्लो करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बट ये राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये एब्सोल्यूट राइट right नहीं है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर गवर्नमेंट लगा सकती है किन कंडीशन में जो क्लॉज आर्टिकल क्लॉज टू में दी गई है तो कोर्ट ने इसमें कुछ सर्टेन प्रिंसिपल डाउन किए थे जो राइट ऑफ प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ प्रेस के बीच एक बैलेंस क्रिएट करते थे तो जो प्रिंसिपल थे वो इस तरह से थे राइट ऑफ प्राइवेसी है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है जो सिटीजन को ग्रांट की गई है आर्टिकल ट्वेंटी वन में उसमें है तो सिटीजन के पास ये राइट right है कि वो अपनी प्राइवेसी को अपनी फैमिली को मैरिज को और मदरहुड को चाइल्ड बियरिंग को एजुकेशन को और कोई मैटर है जो उसकी प्राइवेसी के मैटर है उसको वो प्रोटेक्ट कर सकता है तो कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता ऐसे मैटर को बिना उसकी कंसेंट के कि वो ट्रूथफुल है या नहीं है अगर वो क्रिटिकल है तो वो उसकी कंसेंट के बिना नहीं कर सकता अगर वो उसकी कंसेंट के बिना किसी सिटीजन के ये वायलिट कर पब्लिश करता है तो उसके राइट ऑफ प्राइवेसी की वायलेशन करता है उस बंदे की राइट ऑफ प्राइवेसी की वायलेशन करता है जिसके लिए उसके ऊपर डैमजेस का जो एक्शन है वो हो सकता है बट कोर्ट ने साथ में कहा जो जो रूल है ये एक्सेप्शन के साथ आता है सब्जेक्ट एक्सेप्शन होता है एक्सेप्शन क्या है कि जो अनऑब्जेक्शनेबल है अनऑब्जेक्शनल क्या होगा जो पब्लिक रिकॉर्ड में होगा पब्लिक रिकॉर्ड में जिसमें कोर्ट का रिकॉर्ड भी इंक्लूड होता है उसको वह पब्लिश कर सकता है तो वो प्राइवेसी के राइट ऑफ प्राइवेसी के मटेरियल में नहीं आता बट इसमें जो डिसेंसी है उसको एक्सेप्शन में रखा गया है जैसे फीमेल है विक्टम है सेक्सुअल असाल्ट की किडनैप की डन की या कोई और ऑफेंस है जिसको वो पब्लिश नहीं कर सकते आल दो की वह पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट होने के बावजूद भी वह उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं वो ऑब्जेक्शनेबल है तो इंटरग्रिटी और इंटीग्रिटी और इंसिडेंस पब्लिशिंग है प्रिंस मीडिया तो इस तरह के ऑफेंस को पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए तो थर्ड प्रिंसिपल कोर्ट ने कहा कि जो पब्लिकेशन है वो फैक्ट और स्टेटमेंट के बे, बेस पे होती है जो कि ट्रू नहीं होती है अनलेस की जो ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया पब्लिकेशन ने अपने ऑफिशियली तौर के उस स्टेटमेंट या उस ट्रुथ को अपने लेवल पे उसको देख लिया है इसके लिए ये काफी है कि अगर जो पब्लिशर है वो अपने लेवल के ऊपर उसकी जांच पड़ताल कर ले कि वह ट्रुथ है या नहीं ट्रुथ है तो उसकी वेरिफिकेशन वो करता है तो उसके बाद अगर वो कुछ प्रिंट करता तो उसकी जिम्मेदारी पब्लिशर पे नहीं होगी क्योंकि उसने अपनी रीजनेबल केयर प्रोटेक्शन इसमें कर ली है तो जो फोर्थ प्रिंसिपल कोर्ट ने दिया था कि गवर्नमेंट के जैसे लोकल अथॉरिटी है अदर ऑर्गन है इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट पावर एक्सरसाइज करते हैं वो डैमेजेस का सूट का डेफामेशन का सूट है वो, defa, वो पब्लिशर के खिलाफ नहीं फाइल कर सकते हैं क्योंकि उसमें पब्लिशर फाइल कर सकता है अब जो रूल थ्री और फोर है यह एब्सोल्यूट नहीं है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अगर कोई प्रोविजन की वायलेशन होती है वो प्रोविजन डज नॉट बाइंड द प्रेस और मीडिया और सिक्स प्रिंसिपल जो कोर्ट ने दिया था कि कोई भी ऐसा लॉ स्टेट और इसके ऑफिशियल को इम्पावर नहीं करता कि वह प्रेस को मना करें या प्रेस के ऊपर पहले से कोई रिस्ट्रेंट लगाए कुछ मटेरियल या सर्कुलेशन को पब्लिश करने से पहले तो ये कोर्ट ने हेल्ड किया था तो कोर्ट ने इस केस में स्पेसिफिकली हेल्ड किया कि पब्लिशर के पास ऐसा राइट है कि वो पब्लिश कर सकता है उसकी स्टोरी है जो आटो शंकर की स्टोरी है उसको पब्लिश कर सकता है जो उसको पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है वो उसकी बिना कंसेंट या ऑथोराइजेशन के भी पब्लिश कर सकता है क्या चीज पब्लिश करता है जो कोर्ट रिकॉर्ड में जिसमें कोर्ट के डॉक्यूमेंट भी इंक्लूडेड हैं अगर उसके बियॉन्ड वो उसकी स्टोरी पब्लिश करता है तो वो राइट ऑफ प्राइवेसी की वायलेशन होगी अगर अकॉर्डिंग टू लॉ उसके सूट फाइल होता है तो पब्लिशर इज लाइबल फॉर दैट आगे हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इंटरनेट पे हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या अक्वायर करते हैं जो इंटरनेट के थ्रू तो श्रेया सैगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि डिसाइड हुआ था ट्वेंटी फोर्थ मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन को इसमें सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड टू का ये एक्ट पहले से नहीं था इसको 2009 की अमेंडमेंट के थ्रू इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था तो सेक्शन 66 क्या कहता है कि पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस किसी भी पर्सन को सर्विस के थ्रू कुछ भी कम्युनिकेट करना तो कोर्ट ने यह कहा कि ये अप्रोक्सीमेट कनेक्शन नहीं है कि, कि किसी भी सेक्शन के तहत कोई इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस हो रहा है तो पहला इसका रीजन था कि जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट के वो इनसाइट किसी को करती है उसके साथ कोई उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं है कोई इंटरनेट पे दी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ के इनसाइट नहीं होता है क्योंकि जो रिटर्न वर्ड है वो प्योरली डिस्कशन एडवोकेसी या पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के होते हैं इसमें किसी को भी किसी ऑफेंस के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा सिर्फ ये कहना कि इसमें अनोन्स इनकनवीनियंस या डेंजर हो सकता है या प्रिहेंशन हो सकती है तो ग्रॉस ऑफेंस हो सकता है ये इंडियन पिनल कोड में भी ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया तो जो इनके इंग्रेडिएंट है ऑफेंस इंटरपिनियन कोड वो ऑफेंसिव नहीं है सो सेक्शन सिक्सटी है so, 66 है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस जो कि रिस्ट्रिक्शन के तौर पे दिया गया है उसको रिलेट नहीं करता उसमें कहीं भी ये शामिल नहीं होता तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन uh, का राइट right है जो सिटीजन का उसको कर्टेल करता है उसको खत्म करता है तो इसीलिए ये आर्टिकल नाइनटीन टू अब क्लॉज टू में कहीं भी फॉल नहीं करता है तो इसीलिए ये वायलेशन करता है तो इसीलिए कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया uh, कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया क्योंकि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के साइड टू एन ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता तो हम बात करेंगे मीडिया ट्रायल के बारे में मीडिया ट्रायल में प्रेस के पास ये राइट है कि वो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करे कोर्ट प्रोसीडिंग की जो मैटर सब जुडाइस है बट अगर उसके बियॉन्ड वो करती है जिसमें जो पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है जो विटनेस के एविडेंस हैं जो डॉक्यूमेंट है सर्कुलर है तो वो मीडिया ट्रायल के तौर पे अक्यूज को भी हार्म करते हैं विक्टिम को भी हार्म करते हैं और विटनेस को ये फियर पैदा करते हैं कि वो ट्रूथ बोलने से बचें तो ये राइट ऑफ प्राइवेसी की वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट ने नाइन बेंच जजेस की जजमेंट थी नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए 1967 इसमें हाई कोर्ट इसमें हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जो डिफेंस विटनेस है उसकी डेपोजिशन है उसके जो एविडेंस हैं वो न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हो सकते तो ये जो ऑर्डर था हाईकोर्ट का इसको सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेक्शन 151 सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत तो हाई कोर्ट के ये पास पावर है कि वो प्रेस को रेस्ट्रेन करे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस अगर ये कहता है कि ये पब्लिश नहीं होने चाहिए तो हाई कोर्ट के पास इसकी पूरी पावर है सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो एविडेंस है वो एक्सेसिव पब्लिसिटी नहीं मिलनी चाहिए कि विटनेस उसे सच बोलने से डरे क्योंकि इसमें विटनेस की लाइफ uh, को भी खतरा हो सकता है यह पब्लिकेशन है वो टेम्परे पीरियड के लिए कोर्स ऑफ ट्रायल है वो परमिशेबल है अंडर इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट के तहत जो कि सेक्शन 151 फिफ्टी वन आर सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो कर सकता है तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर uh, पास किया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सो दैट की यह वायटिव है अब इसमें जो बैलेंस क्रिएट होना है फ्री प्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बीच में तो ये बैलेंस कैसे क्रिएट होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहारा इंडिया वर्सेस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इंडिया जो केस था जो डिसाइड हुआ था इलेवंथ नवंबर 2012 को इस केस के फैक्ट क्या थे कि जो सहारा इंडिया का है उस केस में सहारा इंडिया को जो सिक्योरिटी थी कन्वर्टेबल बॉन्ड थे उसको विद इंटरेस्ट रिफंड करने के लिए बोला गया था तो इसको चैलेंज किया था साथ में ही कोर्ट के में को सहारा ने यह प्रेयर की थी कि जो सर्टेन डॉक्यूमेंट है न्यूज चैनल ने पब्लिश किए हैं उसके ऊपर रोक लगना चाहिए तो रेशो डिसेंडी क्या थी कोर्ट की तो कोर्ट कहती है कि अप्रोप्रिएट गाइडलाइन है वो पार्टी को दी जा सकती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में क्या पब्लिश करेंगे क्या नहीं करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो अपीलेंट ने ये गाइडलाइन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि अपीलेंट का एक प्रपोजल था वो प्रपोजल मीडिया के एक न्यूज चैनल ने पब्लिश कर दिया था तो उसको रोक लगाने के लिए कोर्ट ने ये गाइडलाइन इश्यू कर दी थी तो कोर्ट ने ये हल्ड किया प्रशन ऑफ इनोसेंस जब तक किसी आदमी को कोई कोर्ट अक्यूज डिक्लेयर नहीं करती तब तक वो इनोसेंट माना जाएगा तो ये राइट right अक्यूज के पास है तो उस राइट की वायलेशन अगर मीडिया ट्रायल में है तो उसमें भी मीडिया ट्रायल में उसकी होती है। जो पोस्ट मोन ऑर्डर है भी मोस्ट ऑर्डर के तहत अगर कोर्ट कहती है कि कुछ टेम्पर पीरियड के लिए डॉक्यूमेंट या एविडेंस पब्लिश नहीं होने चाहिए तो कोर्ट के पास वो प्रॉपर राइट है सब्जेक्ट टू क्योंकि वो रीजनेबलनेस का टेस्ट वो क्लियर करे उसके बाद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंदर जमवाल गांधी इलेवंथ सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ था जो पब्लिश हुआ था AIR 1978 में इस केस में अक्यूज को सेशन जज सातरा के कोर्ट ने सेक्शन थ्री आईपीसी आई पी सी सेक्शन सेवन बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट 1948 फोर्टी एट के तहत एक माइनर का रेप करने के लिए कन्विक्ट किया था अक्यूज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस कन्विक्शन के खिलाफ थी वो अपील दायर करी हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में अक्यूज की कन्विक्शन है वो सेक्शन 57 सेवन बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट को अपहेल्ड किया बट उसकी जो कन्विक्शन थी सेक्शन 376 सेवेंटी सिक्स आई के तहत उसको सेटिसाइड किया और उसके तहत 354 फिफ्टी के तहत उसकी कन्विक्शन है उसको बरकरार किया इसके तहत एक नागरिक कीर्ति समिति कोलापुर समिति थी उसने एजिटेशन किया और अक्यूज के इक्विटल को लेके 367 के तहत एजिटेशन किया और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के थ्रू अपील भी दायर करी बाद में स्टेट ने भी इस केस में अपील दायर करी एक्विटल के अगेंस्ट तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एजिटेशन किया गया था वो अननेसेसरी पब्लिसिटी थी उसके तहत जो मोर्चा निकालेंगे वो पब्लिक के द्वारा वो अनसेसरी था उसके साथ गर्ल जो विक्टिम है उसको हार्म हुआ है इसके तहत जो स्टेबलिश्ड लॉ के तहत प्रोसीजर है उसके प्रोसीजर के तहत वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता था इसमें एजिटेशन या मोर्चा निकालने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी तो जो ट्रायल कोर्ट ने किया प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पब्लिकेशन है वो इन थीसिस है अंथीसिया है रूल ऑफ लॉ के लिए रूल ऑफ लॉ सस्पेंड कर देते हैं तो ये मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो मीडिया ट्रायल है वो अंथीसिया है इस केस में बाद में कोर्ट ने उसको जो आईपीसी सेक्शन 354 के तहत कन्विक्शन की गई थी उसको कन्वर्ट करके 376 रेप और इलेवन आईपीसी के तहत उसको को कन्विक्ट किया था तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था फ्रीडम ऑफ प्रेस मीडिया ट्रायल के ऊपर तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बारे में सॉवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के